Well, the upcoming Sri Lanka series is just around the corner. India will tour Sri Lanka for a three-match T20I series and a three-match ODI series. इस टूर के स्क्वाड के लिए अभी अनाउंसमेंट होनी बाकी है, लेकिन स्पेकुलेशन ये हैं कि क्या जो बड़े प्लेयर्स हैं, दैट इज रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिन्होंने T20 से रिटायरमेंट ले ली है, पर क्या वो ये ODI सीरीज खेलने आएंगे? विल दे प्ले दिस ODI सीरीज और नॉट? अगले साल है चैंपियंस ट्रॉफी ODI फॉर्मेट में, और उससे पहले इंडिया के पास ज़्यादा ODIs नहीं है, कुछ 5-6 ODIs ही अभी तक शेड्यूल किए गए हैं। उनमें से 3 ODIs ये श्रीलंका के खिलाफ खेले जाएंगे जुलाई और अगस्त के महीने में, ODIs खेले जाएंगे पहले हफ्ते में स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अगस्त। लेकिन सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जो दो प्लेयर्स हैं आपकी स्क्रीन पे, क्या ये खेलने आएंगे या नहीं आएंगे? कि और सबसे बड़ी रिपोर्ट जो अभी बाहर निकल के आ रही है वो ये है कि जो हेड कोच है गौतम गंभीर, इंडिया के न्यू हेड कोच, जिनकी ये पहली असाइनमेंट होगी ये श्रीलंका का टूर, ही वॉन्ट्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा टू बी बैक फॉर दिस सीरीज, ही वॉन्ट्स डेम टू प्ले दिस ODI सीरीज। रिपोर्ट ये कह रही थी कि विराट, रोहित और बुमराह, इन तीनों को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो रेड बॉल क्रिकेट है वो बहुत बड़ा सीजन है, बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज है, न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज है, एंड देन दी ऑल इम्पोर्टेंट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जिसके लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी 5 मैच की सीरीज खेलने। तो उसको मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट आ रही थी कि इन 3 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन गौतम गंभीर का ये मानना है कि इस ODI सीरीज में और इंडिया की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ बहुत लंबा गैप है, 6 हफ्तों का गैप है, क्योंकि ये ODI 7 अगस्त को आखिरी ODI खेला जाएगा श्रीलंका के खिलाफ, और 19 सितंबर को जाकर पहला टेस्ट मैच है बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में, तो 6 हफ्तों का गैप्स ऑलरेडी है। सो ही वॉन्ट्स दी सीनियर प्लेयर्स टू कम बैक एंड प्ले द ODI फॉर्मैट। बोथ रोहित एंड विराट आर आउट ऑफ इंडिया राइट नाउ फॉर वेकेशंस, फॉर पर्सनल टाइम विद द फैमिली आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप 2024। बुमराह का भी नाम है बीच में, बुमराह के लिए भी कहा जा रहा है, गंभीर ऑल्सो वॉन्ट्स बुमराह टू प्ले दीज 3 ODIs। और ये ODIs की रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि अगला जो ICC टूर्नामेंट है वो अब ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल पाकिस्तान में खेली जाएगी। इंडिया पाकिस्तान जाएगी कि नहीं वो एक अलग इशू है, वो अलग रिपोर्ट है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो प्रेपरेशन है वो उसमें गौतम गंभीर द न्यू हेड कोच, जिनकी मैं टू रिमाइंड व्यूअर्स ये पहली असाइनमेंट होगी एज अ हेड कोच, वो चाहते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये दोनों आए ODI खेलें, 3 ODIs हैं, तीनों खेले, उसके बाद 6 हफ्ते का गैप है, आप वो रेस्ट ले सकते हैं उन 6 वीक्स में, एंड देन यू कैन टर्न अप फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश इन चेन्नई ऑन 19th of September। हार्दिक पांड्या ODIs में नहीं होंगे, उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से अपने आप को अनअवेलेबल रखा है, T20s में आ सकते हैं, कैप्टन बनेगा कि नहीं ये देखना जरूरी है, लेकिन ODI सीरीज में ये कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया है बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। पर रोहित और विराट जो दोनों रेस्ट पे हैं, क्या वो खेलने आएंगे कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। आपका क्या कहना है? डू यू वॉन्ट दीज टू टू प्ले दिस 3-मैच ODI सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, और डू यू वॉन्ट देम टू कंटिन्यू देयर रेस्ट बिकॉज देयर इज एन ऑल इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीजन कमिंग अप सून इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, स्टार्टिंग विद बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, एंड एज आई सेड द बिग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया दिस टाइम। सो आपका जो भी टेक है इस पर, प्लीज डू राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड ऐसे ही और अपडेट्स के लिए फॉलो क्रिकेट नेक्स्ट, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन, ऐसे ही सारी अपडेट्स आपको आती रहेंगी, मिलती रहेंगी, और उन अपडेट्स पर आपका क्या टेक है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्ल्ड क्रिकेट आपका क्या टेक है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। वील बी मोर देन हैप्पी टू एंगेज विद ऑल योर व्यूज एंड ओपिनियंस एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अंटिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव एन अमेजिंग डे।